ये कहानी मैथ्यू नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान होकर एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसके साथ दिन रात घपागप करना चाहता है, पर इसी बीच उसकी मुलाकात एक घपागप स्टार से होती है। और फिर इसके बाद मैथ्यू के साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। फिल्म का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर और ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पर इतना होशियार होने के बाद भी वो बहुत बोरिंग था जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। ये मैथ्यू का आखिरी साल था और वो अपनी हायर एजुकेशन की फीस के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा था, पर मैथ्यू उन सबसे भी खुश नहीं था क्योंकि उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे वो बाद में याद रख सके और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई करने में ही निकाल दी थी। इसलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वो भी वही चीजें करेगा जो उसके साथ के लोग कर रहे थे, जैसे लड़कियां पटाना और घपागप करना। इसी बीच मैथ्यू के घर के बगल में डैनियल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है। डैनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। रात को मैथ्यू फोन पर बात कर रहा होता है और तभी उसकी नजर डैनियल की खिड़की पर जाती है जो कि कपड़े बदल रही थी। ये देखकर मैथ्यू का छोटा चेतन जाग जाता है और फिर वो भी छुपकर डैनियल को देखने लगता है, पर तभी डैनियल मैथ्यू को उसे देखते हुए देख लेती है और वो सीधा उसके घर आ जाती है। तभी डैनियल के डैड उसे नीचे बुलाते हैं जिसको सुनकर डैनियल की फटकर 64 हो जाती है। अब मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है, पर तभी उसके डैड उसे बोलते हैं कि डैनियल इस शहर में नहीं आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम इसकी हेल्प करो और इसके साथ जाओ। अब जब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें बिना कपड़ों के मेरे खरबूजे कैसे लगे, जिस पर मैथ्यू उसे बोलता है कि वो खरबूजे नहीं संतरे थे। ये सुनकर डैनियल की सटक जाती है और वो मैथ्यू को बोलती है कि चल तू अब अपने कपड़े उतार और मुझे अपना केला दिखा। अब डैनियल जबरदस्ती मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है। फिर जब मैथ्यू पूरी तरह नंगा हो जाता है तो डैनियल उसे कार से उतार कर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है, पर थोड़ी देर बाद डैनियल वापस आ जाती है और वो मैथ्यू को बोलती है कि वो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में पढ़ रहा होता है तो डैनियल वहाँ कर उसे क्लास से बाहर बुला लेती है। फिर वो दोनों मस्ती करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और पूरे दिन साथ में बकचोदिया करने के बाद शाम को वो दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर साथ में नहाने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर किस करने ही वाले होते हैं, पर तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये पूल उसके प्रिंसिपल का है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मैथ्यू के फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर डैनियल को देखते ही मैथ्यू के दोस्त बौखला जाते हैं और वो डैनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं, पर इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डैनियल को घोड़ी तो वो ही बनाएगा, इसलिए वो डैनियल के पास आता है और उसको सबके सामने किस करने लगता है। अब डैनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को ऐसा फील हो रहा था कि अब जॉनी सिंस का बाप तो वो ही है, पर तभी उसका एक चोमू दोस्त उसके पास आता है और उसे बोलता है कि भाई तू जिसे मियाँ कुमारी समझ रहा है वो तो मियाँ खलीफा है, और लोग उसकी वीडियोस देखकर अपनी टंकी खाली करते हैं। अभी सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि अगर ये घपागप स्टार है तो क्या हुआ, तुझे तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और तू जो चाहे उसके साथ कर सकता है। अभी सुनकर मैथ्यू सीधा डैनियल के पास जाता है जो उसकी माँ के साथ बैठकर उसकी बचपन की फोटोज देख रही थी। वहाँ मैथ्यू डैनियल को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें तारों के शहर ले चलता हूँ, और फिर वो दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं जहाँ मैथ्यू डैनियल को घोड़ी बनने के लिए बोलता है। अब डैनियल भी समझ गई थी कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डैनियल उसे बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ दिया है। डैनियल बताती है कि पहले मैं किसी के लिए भी घोड़ी बन जाया करती थी, पर अब मैं वैसा कुछ नहीं करती, और ये बोलकर वो डैनियल से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल से माफी मांगने उसके घर जाता है जहाँ पर उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली था। मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो, जिस पर कैली उसे बताता है कि मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूँ और साथ ही मैं इसका एक्स भी हूँ। अगले दिन मैथ्यू जब कॉलेज जा रहा होता है तो वो वहाँ पर देखता है कि कैली लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी कैली वहाँ पर मैथ्यू को भी देख लेता है और वो उन लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है जहाँ वो बताता है कि ये एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जिसको अपने आप में ही गिल्ट फील हो रहा था कि कभी भी वो बदल नहीं सकती और ना ही कभी वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है, इसलिए वो कैली के साथ वापस लास वेगस चली जाती है। अब यहाँ मैथ्यू भी डैनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डैनियल को वापस लेकर आएगा, और इसके लिए वो भी अपने छपरी दोस्तों के साथ लास वेगस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि डैनियल बिना कपड़ों के ही सबके सामने डांस कर रही है, जिस पर वो उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और वो मैथ्यू को अपने साथ ले जाकर उसे धमकाने लगता है। वो मैथ्यू को बोलता है कि तुम डैनियल को उसका काम करने से रोक रहे हो और अगर वो ये काम नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। अब कैली के इतना धमकाने पर भी मैथ्यू डैनियल के पास वापस जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इससे बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर पर होता है तो वहाँ पर डैनियल उसे उसके कॉलेज के लिए लेने आती है। फिर जब वो दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं तो मैथ्यू उसे अपने साथ प्रॉम में जाने के लिए पूछता है। आज मैथ्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि अगर आज उसने अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वो हायर स्टडीज के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है।
पर तभी एग्जाम के दौरान कैली वहाँ पर आ जाता है और वो मैथ्यू को उठाकर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डेनियल को वहाँ से भगाकर उसके $30,000 का नुकसान करवा दिया था। इसके बाद कैली उसे कुत्तों की तरह मारता है और अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वो मैथ्यू को ड्रग्स देकर किसी ह्यूगो नाम के आदमी के घर पर उसकी ट्रॉफी चोरी करने के लिए बोलता है। फिर जब मैथ्यू वहाँ पर चोरी करने जाता है तभी कैली पुलिस को फोन कर देता है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने आ जाती है। पर तभी वहाँ पर मैथ्यू के दोस्त आ जाते हैं और उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू डेनियल के साथ कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्पीच देने जाता है, जहाँ पर मैथ्यू को वो ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है और वो स्पीच की जगह सबके सामने उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिस वजह से उसे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक जाता है तब उसे पता चलता है कि उसने जो कंबोडियन स्टूडेंट के लिए $25,000 का फंड रेस किया था वो कैली वहाँ से स्टूडेंट एडवाइजर बन के ले गया है। ये सुनते ही मैथ्यू शॉक्ड हो जाता है और वो ये बातें अपने दोस्तों डैनियल को बताता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर कैली को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। फिर मैथ्यू और डैनियल दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं, जो कि कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर था। वहाँ मैथ्यू ह्यूगो को सारी बातें बताता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। फिर वो ह्यूगो को बोलता है कि अगर आप हमें $25,000 दोगे तो हम आपको दुनिया का सबसे बढ़िया घपाघप वाला वीडियो बनाकर देंगे। ये सुनकर ह्यूगो भी खुश हो जाता है और वो उनको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब सब लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जहाँ डैनियल भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है जो कि उसी की तरह घपाघप स्टार थी। इसके बाद ये लोग साथ में प्रोम में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैथ्यू के कुछ क्लासमेट्स आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये लड़कियाँ तो घपाघप स्टार है, जिस पर मैथ्यू उनसे पूछता है कि क्या तुम इनके साथ काम करना चाहोगे। अब ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो मैथ्यू को हाँ बोल देते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं और अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर आ रहा होता है तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमारी वीडियो को किसी ने चोरी कर लिया है और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैली होता है। कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं इस टेप को तुम्हारे प्रिंसिपल और तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है, जिस पर वो उस टेप को सबको दिखा देता है। पर जब वो वीडियो स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ घपाघप के एजुकेशन वाला वीडियो होता है, जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। अब ये टेप ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है और देखते ही देखते ये टेप मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाती है। अब मैथ्यू के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और वो उस कंबोडियन स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दे देता है। मैथ्यू बाकी बचे हुए पैसों से अपने लिए गाड़ी खरीद लेता है और वो कैली को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, जिससे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लास्ट में मैथ्यू और डैनियल भी साथ में खुशी खुशी रहते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।